नमस्कार। भारत में सड़क पर गाड़ी चलाने को सिर्फ क्लच ब्रेक दबाने, स्टीयरिंग घुमाने और गियर बदलने का काम माना जाता है। सड़क के कायदे कानूनों को जानना जरूरी नहीं माना जाता, इसीलिए आसानी से लाइसेंस मिल जाते हैं और इसीलिए दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसे भारत में ही होते हैं। हमारे आसमानों का हाल हमारी सड़कों जैसा ना हो, जहां आड़ी तिरछी गाड़ी चलाना ड्राइविंग माना जाता है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? DGCA, मंत्री, अफसरशाह, या फिर इसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाए जो आसमानों में रहते हैं? मेरे साथ है सुभाष गोयल, जो एविएशन और टूरिज्म पर एसोचैम की एक्सपर्ट कमेटी के प्रमुख हैं और ट्रैवल की इंडस्ट्री से बहुत पुराना ताल्लुक है आपका। बहुत शुक्रिया गोयल साहब अपना वक्त हमें देने के लिए। कितना गंभीर है मामला कि पायलट्स के जो लाइसेंसेज हैं वो फर्जी हैं, कितना गंभीर है ये? ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है। एक तो सिर्फ आप जैसे एग्जाम्पल देते थे, कार अगर मारेगी तो एक दो आदमियों को मारेगी, पर अगर पायलट के पास गलत लाइसेंस होगा तो सिर्फ जो 200-300 आदमी प्लेन में बैठे हैं उनकी जान भी खतरे में है, और प्लेन कहीं पॉपुलेटेड इलाके में लैंड करता है या क्रैश करता है तो हजारों जानें ले सकता है। सिर्फ इस यही बात नहीं है, क्रेडिबिलिटी ऑफ इंडिया, यानी कि जैसे मेडिकल में कई कंट्रीज इंडियन डॉक्टर्स की दोबारा जांच करते हैं, अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि इंडिया की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है और कई कंट्रीज हमारे पायलट्स को दोबारा टेस्ट लेंगे। मैं समझता हूं कि ये इतना ज्यादा सीरियस इशू है कि हाईएस्ट लेवल पे गवर्नमेंट शुड टेक इट अप, एंड आई बिलीव कि DGCA इज टेकिंग अप वेरी सीरियसली, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री इज टेकिंग अप वेरी सीरियसली, और सुनने में आया कि आज शायद कोई मीटिंग भी हुई है जिसमें सारे जितने स्कूल्स हैं, ट्रेनिंग स्कूल्स, उनको बुलाया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि गवर्नमेंट इसको वाकई सीरियसली ले और जो क्रेडिबिलिटी इंडिया पे दाग लगा है ये जल्दी से जल्दी एयरफोर्स के पायलट्स को इन्वॉल्व करके जी। क्योंकि एयरफोर्स में बड़ी सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग और बिल्कुल मैन्यूवरेबिलिटी की ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। गोयल साहब, तो मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे, पायलट्स को आपने कहा कि सरकार जल्दी से जल्दी कदम ले, DGCA कदम उठाए, अभी तक DGCA ही नोडल एजेंसी रही है और सरकार ही कदम उठाती रही है चाहे जैसे भी हों। अब एयरलाइंस प्राइवेट हैं, पायलट्स को हायर करने की, उनको नौकरी पर रखने की जिम्मेदारी एयरलाइंस की है, प्राइवेट एयरलाइंस की। बहसियत एसोचैम के एक बहुत बड़े अधिकारी होने के नाते आप मुझे क्या कहेंगे कि आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है, जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी बनती है? नहीं देखिए, इसमें कोई भी प्राइवेट एयरलाइन जब तक DGCA से क्लियर ना हो जी, पायलट दे कैनॉट हायर दैट पायलट जी। और ये जितनी भी है इसमें मतलब कुछ तो इस देश में करप्शन इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि मतलब क्रेडिबिलिटी जो इंडिया की है वो एट स्टेक हो गई है जी। और ये पूरा एक नेशनल कैंपेन हमें करना पड़ेगा और इस चीज की सफाई करनी पड़ेगी, और जब तक एयरफोर्स के लोग इन्वॉल्व नहीं होंगे, अब ऐसे लोग अगर एग्जाम्स ले रहे हैं जो जिन्होंने कभी कॉकपिट देखी नहीं, जो इंजीनियर हैं या टेक्निकली क्वालिफाइड हैं, मतलब जी, ये बहुत बड़ा, जैसे आपने शुरू में कहा, ये क्रेडिबिलिटी का क्राइसिस हो सकता है, विश्वसनीयता का संकट हो सकता है। धन्यवाद गोयल साहब आपका कि भरोसा करके हम लोग